हम लोग क्या देखते हैं एग्जाम में बड़े बड़े डिवाइड दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है किस संख्या से ये डिविजिबल है, तो आज हम लोग उसको शॉर्टकट वे में निकालने के लिए हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन किससे कटेगा, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू से कौन कौन संख्या डिविजिबल होगा। जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, वो क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो, वो हम लोग का क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फाइव सिक्स सेवन, ये संख्या टू से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, जीरो टू फोर सिक्स एट, ये सब नहीं है, यानी कि टू से डिविजिबल नहीं होगा। सिक्स थ्री जीरो, ये संख्या टू से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या टू से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, हम लोग का जीरो दिया हुआ है, यानी कि ये टू से डिविजिबल होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीन का डिविजिबिलिटी रूल। तो थ्री का क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स, यानी हम लोग का जो संख्या दिया रहेगा उस सारे संख्या को क्या करेंगे, सम कर देंगे। अगर वो सम जो हम लोग का आएगा वो अगर थ्री से डिविजिबल होगा तो वो भी संख्या क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं वन सिक्स फाइव, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, वन सिक्स सेवन, सेवन फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री से डिविजिबल होता है, तो होता है, यानी कि ये भी संख्या क्या होगा, हम लोग का थ्री से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फाइव सिक्स टू, तो क्या होगा, फाइव सिक्स इलेवन, इलेवन प्लस टू कितना होता है, थर्टीन, थर्टीन थ्री से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा, ये संख्या थ्री से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर से कौन कौन सा संख्या डिविजिबल होगा। तो नंबर लास्ट टू डिजिट, यानी लास्ट का टू डिजिट अगर फोर से डिविजिबल हो रहा है तो जो पूरा संख्या दिया रहेगा वो सारा क्या होगा, फोर से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल में सिक्स ट्वेंटी फोर, तो ये हम लोग बस लास्ट का टू डिजिट देखेंगे, तो ये क्या है, ट्वेंटी फोर है जो फोर से डिविजिबल होता है, तो फोर से ये डिविजिबल होता है, यानी कि पूरा संख्या जो क्या है, फोर से डिविजिबल होगा। जैसे कितना, नाइन सिक्स थ्री, ये दोनों फोर से डिविजिबल होगा, हम लोग का नहीं होगा, यानी कि ये फोर से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, फोर से डिविजिबल में लास्ट का टू डिजिट अगर फोर से डिविजिबल है तो पूरा संख्या क्या होगा, फोर से डिविजिबल होगा। अब हम लोग देखते हैं फाइव, फाइव का तो आप लोग सभी जानते हैं सबसे ईजी है क्या होगा, जिसके लास्ट में जीरो हो, फाइव हो, वो संख्या क्या होगा, फाइव से डिविजिबल होगा। जैसे जीरो और फाइव, यानी लास्ट में क्या हो, जीरो हो, फाइव हो, वो संख्या क्या होगा, फाइव से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं सिक्स थ्री फोर जीरो, ये संख्या क्या है, फाइव से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि ये संख्या क्या होगा, फाइव से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ फाइव भी रहता तो डिविजिबल होता, और उसी की जगह हम लोग का क्या है, वन रहेगा, टू रहेगा, थ्री रहेगा, फोर सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये जिसके लास्ट में क्या रहे, वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, फोर सिक्स सेवन एट नाइन, वो संख्या क्या होगा, फाइव से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे ही हम लोग देखते हैं सिक्स से, तो सिक्स से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, तो इसके लिए हम लोग को दो रूल याद रखना होगा जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो संख्या टू से डिविजिबल हो और थ्री से डिविजिबल होगा वो संख्या क्या होगा, सिक्स से भी डिविजिबल होगा। यानी कि क्या होगा, जो संख्या टू और थ्री दोनों से डिविजिबल होगा वही हम लोग का क्या होगा, सिक्स से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग सिक्स फाइव टू, तो ये क्या होता है, लास्ट में अगर टू है तो ये टू से डिविजिबल होगा है, और थ्री से हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे, सिक्स प्लस फाइव प्लस टू, तो कितना होगा, सिक्स फाइव इलेवन, इलेवन प्लस टू थर्टीन, तो थर्टीन हम लोग का थ्री से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, तो हम लोग का ये भी संख्या क्या होगा, सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सिक्स फाइव फोर, तो यहाँ फोर है तो फोर तो टू से हम लोग का डिविजिबल होता ही है। उसके आगे देखते हैं सिक्स प्लस फाइव क्या होता है, इलेवन, इलेवन प्लस फोर
15, तो 15 3 से डिविजिबल होता है, होता है, तो यानी कि ये संख्या क्या होगा हम लोग का 6 से डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने किसका किसका पढ़ लिया, 2 का, 3 का, 4, 5 एंड 6। अब हम लोग चलते हैं 7 पे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखने से पहले हम लोग चलिए सबसे छोटा अंक से शुरू करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं सबसे पहले 14, 14 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इसके लास्ट का वो लास्ट में क्या है संख्या 4, 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इधर रहेगा संख्या उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 01 और इसको क्या करेंगे 8, और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 माइनस 1 अगर करते हैं तो क्या हम लोग को आ जाता है 7। तो यहाँ पर 7 आ गया, यानी कि 7 से डिविजिबल होगा। वैसे चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 2, 5, 6। तो हम अभी मैंने आपको क्या बताया, लास्ट का डिजिट को क्या करना है 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या करेंगे 2 × 6, और इधर वाले संख्या को क्या करेंगे हम लोग वैसे ही लिख देंगे 25। तो क्या हो गया यहाँ हम लोग का 25 − 12, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 14। तो 14 हम लोग का 7 से डिविजिबल है, तो हाँ है, तो इसलिए क्या है ये संख्या भी क्या होगा 7 से डिविजिबल हो गया। चलिए ये तो छोटा संख्या हो गया, अब हम लोग बड़े संख्या को भी चेक कर लेते हैं। (9, 3, 4, 2) तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि लास्ट वाले संख्या को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2, और इधर वाले को हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे 9, 3, 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 9, 3, 4 − 4, तो हम लोग का क्या आ गया 9, 3, 0। तो यहाँ भी क्या हम लोग का बड़ा ही संख्या आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे पिछले की तरह, 0 को हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फिर इधर वाले संख्या को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 93 − 0, तो यहाँ क्या आ गया 93। तो अब हम लोग देखते हैं कि 93 7 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 93 7 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये संख्या है जो क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग आप लोगों को पता चल गया है कि 7 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। अब हम लोग चलते हैं 8 की ओर। 8 से डिवाइड होने के लिए सिंपल है, क्या है, या तो लास्ट में क्या हो 3, 0 हो, या लास्ट 3 डिजिट हो जो 8 से डिविजिबल हो। तो देखिए हम लोग जैसे चेक करते हैं 3, 4, 5, 0, 0, ये संख्या को अगर बोला जाए कि 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा, इसको आप लोग चेक भी कर लीजिएगा डिवाइड देके। और अगर हम लोग को क्या करना है यहाँ, तो चलिए लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ नहीं कोई और एग्जांपल लेते हैं 5, 3, 2, 4, तो ये संख्या को क्या करेंगे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 4 = 38, और क्या हम लोग का 4 कैरी बच जाएगा, यानी कि हम लोग का ये संख्या डिविजिबल नहीं होगा। वहीं हम लोग देखते हैं 8, 3, 2, 8, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 × 4 = 32, और 8 × 1 = 8, यानी कि क्या हो गया ये संख्या हम लोग का क्या 8 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग देखते हैं 9 को। तो 9 का सिंपली कुछ नहीं करना है, सम ऑफ ऑल नंबर, यानी जो भी नंबर दिया रहेगा वो क्या करेंगे टोटल का सम कर देंगे। अगर सम जो हम लोग का सम आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 5, 3, 4, 2, 1, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो 15 क्या है 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, यानी कि ये संख्या हम लोग का क्या है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और वहीं अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर दें 3 और कर देंगे तो 15, 3 क्या हो जाएगा 18, तो 18 हम लोग का क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल होगा। तो यानी 9 को क्या है हम लोग को अगर चेक करना है कि 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो सिंपली क्या हम लोग कर देंगे सारे नंबर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, अगर वो नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 10 का हम लोग देखते हैं, तो 10 का तो आप लोग सबको पता है जिसके लेफ्ट में 0 है वो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, अगर 0 के अलावा कोई और भी नंबर रहेगा तो वो क्या होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो आज हम लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 का हम लोग क्या देख लिया, डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। अगर आप लोगों को इससे आगे के डिविजिबिलिटी रूल को जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ है। जय हिंद, जय भारत।